हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में, और अगर पूरे वीक की बात करेंगे तो पूरे वीक में भी स्टॉक जो है तकरीबन 12% ऊपर क्लोज हुआ है। तो एक एक बात को हम लोग टेक्निकली भी समझेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटली भी समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। जो अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, और इनकेस अगर आप फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही अगर आप लोगों का भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस में उन सभी क्वेरीज को कवर करने की। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल्स, साथ ही साथ जो है जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा चार्ट सेटअप दिखता है, एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिखता है, या फिर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आ रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न आ रहा है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया है या ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट कर रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप इनकेस FNO को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं FNO का आपको क्वालिटी कॉल्स मिले, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। FNO के प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली थिंग है जो आपको अकाउंट ओपन करना है, रेफरल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ही। तो अगर आप उस रेफरल लिंक से अकाउंट को ओपन करते हैं और अकाउंट करने ओपन करने के बाद वहां पे ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए। रीसेंट अगर इंडेक्स के कॉल्स की हम लोग बात करेंगे तो प्रीवियस वन मंथ में अप्रोक्सीमेट 5 कॉल मैंने दिए हैं, जहां पे कि ऑलमोस्ट सभी में जो है आपको एक अच्छा टारगेट हम लोगों का अचीव हो चुका है। तो काफी जो है आपको अच्छा मंथ रहा जहां पे कि सभी टारगेट अचीव हुआ है। तो लगातार हम लोग इसी टाइप के क्वालिटी कॉल्स जो है देते रहते हैं। इंट्राडे के लिए कॉल्स नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं। जो भी आपको कॉल मिलेगा वो स्विंग के लिए ही मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप चाहे तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स फी पे करके भी। तो फी अगर आपको पे करना है तो उसके लिए प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल पिन मैसेज में दिया हुआ है, आपको ग्रुप पे स्कैनर पे मिल जाएगा, आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग शेयर के ऊपर। अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे रीसेंट प्राइस स्पाइक के लिए जो है सेबी की तरफ से कंपनी से जवाब भी मांगा गया था, जो आपके स्टॉक प्राइस में सडन स्पाइक क्यों है। तो यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से जवाब क्लियरली दिया गया, जो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनसाइडर ट्रेडिंग हो या फिर कुछ और हो। हम लोगों को प्राइस सेंसिटिव कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, वो जो भी है वो पब्लिक का वॉल्यूम है, उससे कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है। सबसे पहले मंथली चार्ट को हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में कुछ इसी टाइप का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था इससे पहले भी, 2014 में ये ब्रेकआउट हुआ था। और उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ, वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इन द ईयर 2017। अगेन अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है 3 times का मूव दिया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुआ, गिरावट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे बेस बनाया और वापस से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। 2000 के लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है, एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने यहाँ पे दिया है। तो इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम के ऊपर नजर देंगे तो 2018 के बाद फर्स्ट टाइम इतने वॉल्यूम के साथ मंथली बेसिस पे स्टॉक ट्रेड किया है और साथ ही साथ ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है।
क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे कभी भी अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है आपको ये डेप्थ, यहाँ पे जो डेप्थ है ये डेप्थ है तकरीबन 1300 पॉइंट का, यानी कि ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट लेवल से 1300 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर 3300 का हम लोगों को टारगेट निकल के आता है। तो एक काफी बड़ा टारगेट जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं जितने भी लोग एंट्री लेंगे उनका एसएल क्या होगा। तो जितने भी लोग एंट्री ले रहे हैं उनका एसएल जो है नीचे की साइड में 1400 के नीचे जो है आपको प्लेस करके रखना है। जब तक ये 1350 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है आपको यहाँ पे इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा जो है आपको डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल जो है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है जो आपका टारगेट भी यहाँ पे 1500 पॉइंट का होने वाला है। तो इस वजह से सिर्फ एसएल को आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है जो टारगेट इतना अचीव होगा या नहीं होगा। तो टारगेट बिल्कुल इतना अचीव होगा क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न का ब्रेकआउट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये आपको 7 ईयर के कंसोलिडेशन के बाद 2017 से ही स्टॉक इस रेंज में था और अब जाके ब्रेकआउट दिया है, तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, उस रिट्रेसमेंट में आपको घबराना नहीं है, आप चाहे तो वहां पे पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक लगातार मोमेंटम के बाद जो है ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट के बाद जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक सेलिंग प्रेशर जो भी हो यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। रिट्रेसमेंट किस लेवल तक आ सकता है, तो रिट्रेसमेंट जो है 1800 से 2000 इस 200 पॉइंट के रेंज में जो है 200 पॉइंट के रेंज में स्टॉक को कंसोलिडेट कर सकता है थोड़े समय के लिए। यहाँ एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं और थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वहां पे और भी ज्यादा आप अपने पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो क्या फंडामेंटली कंपनी के प्राइस को जस्टिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल्स के ऊपर। अगर यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो लगातार कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। 2024 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट किया है, और अगर इस कंपनी का एक और अगर हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग देखेंगे, सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कहीं पे भी सेल डाउन नहीं किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से इंक्रीज किया है। 2022 में जरूर यहाँ पे डिप आया था, वो डिप आया था क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुआ था, बट वंस अगेन अगर देखेंगे 2024 में जो है कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव किया है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस स्टॉक से रिलेटेड है, कंपनी ने अपने डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है। 6542 करोड़ का डेट था इन द ईयर 2023 मार्च 2023 में, जो कि विद इन ईयर कंपनी ने 4400 करोड़ से अपने डेट को डिक्रीज किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेम पीरियड में कंपनी ने यहाँ पे 600 करोड़ से अपने रिजर्व्स को इंक्रीज किया है। साथ ही साथ अगर देखेंगे फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ है, 3751 करोड़ का फिक्स एसेट है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट 4328 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, एक अच्छे प्रोमोटर ग्रुप के द्वारा जो है बैक किया हुआ है, वाडिया ग्रुप का जो है फ्लैगशिप कंपनी है बॉम्बे बर्मा। FII के पास 8.96% का होल्डिंग है, FII ने यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज किया है 0.48% से। DII की बात करेंगे तो DII के पास 1.27% का है, मार्जिनली DII ने यहाँ पे पोजीशन को ऐड किया है, रेस्ट जो है यहाँ पे 15.71% पब्लिक के पास है, और पब्लिक का स्टेक लगातार अगर देखेंगे तो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो बोथ फंडामेंटली और टेक्निकली कंपनी जो है एक अच्छे लेवल पे है, ब्रेकआउट जो हुआ है वहां पे हम लोगों को एक कन्विक्शन आ सकता है, क्योंकि कंपनी यहां पे जो है ब्रेकआउट आपको वॉल्यूम के साथ हुआ है एक स्ट्रांग कंसोलिडेशन जोन का, तो स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है।
आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।